नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडियन प्रीमियर लीग अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। शुक्रवार 30 अक्टूबर को सीजन 13 का 50वां मैच आत्मविश्वास से ओतप्रोत किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब जीत के अपने अभियान को कायम रखते हुए प्लेऑफ की ओर अगला कदम बढ़ाने के इरादे से उतरेगी, जबकि राजस्थान रॉयल्स के लिए ये अस्तित्व बनाए रखने का मुकाबला होगा। टूर्नामेंट की शुरुआत में लगातार हार का सामना कर रही केएल राहुल की टीम के प्रदर्शन में चमत्कारिक बदलाव आया है। उसने लगातार 5 जीत दर्ज करके टॉप 4 में जगह बना ली है। फिलहाल वो 12 मैचों में 12 अंक लेकर चौथे स्थान पर है। टीम ने अपने आखिरी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेटों से हराया था। केएल राहुल के नहीं चलने के बावजूद मनदीप सिंह और क्रिस गेल ने टीम को शानदार जीत दिलाई थी। वहीं अगर बात राजस्थान की करें तो अपने आखिरी मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस जैसी टीम को हराया था और टीम के 12 मैचों में 10 अंक हैं और टीम 7वें स्थान पर है। प्लेऑफ की दौड़ में अब भी टीम अगर मगर के फेर में है। मुंबई इंडियंस को छोड़कर बाकी 6 टीमों के लिए मैदान अब भी खुला है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स तो पहले ही दौड़ से बाहर हो चुकी है। रॉयल्स अगर शुक्रवार को हारते हैं तो वो भी दौड़ से बाहर हो जाएंगे, जबकि हारने पर पंजाब की राह भी मुश्किल हो जाएगी। पंजाब को टूर्नामेंट में अब तक सर्वाधिक रन बना चुके राहुल से उसी प्रदर्शन की उम्मीद होगी। क्रिस गेल के आने से तो टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान तक पहुंच गया है। घुटने की चोट के कारण 2 मैचों से बाहर रहने वाले मयंक अग्रवाल टीम में लौटते हैं या नहीं, ये देखना होगा। हालांकि मनदीप सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पारी की शुरुआत करके नाबाद 66 रन बनाए थे, जिससे टीम को एक अतिरिक्त विकल्प मिल गया है। पिछले कुछ मैचों में मोहम्मद शमी की अगुवाई में पंजाब की गेंदबाजी शानदार रही है। दूसरी ओर शीर्ष पर काबिज मुंबई को हराने के बाद रॉयल्स के हौसले भी बुलंद हैं। बेन स्टोक्स फॉर्म में लौट आए हैं, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ नाबाद 107 रन बनाए थे। संजू सैमसन ने भी खोई लय हासिल कर ली है। हालांकि कप्तान स्टीव स्मिथ का खराब फॉर्म रॉयल्स को अखर जरूर रहा होगा। जोफ्रा आर्चर की अगुवाई में राजस्थान की गेंदबाजी औसत रही है। आर्चर ने 12 मैचों में 6.7 की इकोनॉमी रेट से 17 विकेट लिए हैं, लेकिन उन्हें बाकी गेंदबाजों से सहयोग नहीं मिला है। दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें किंग्स इलेवन पंजाब ने 9 जबकि राजस्थान रॉयल्स ने भी 11 मुकाबले जीते हैं। इस सीजन में दोनों टीमें 9वें मुकाबले में शारजा में एक बार भिड़ चुकी हैं। मुकाबला सीजन के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक था। मैच में पंजाब ने मयंक अग्रवाल के शतक के दम पर 223 रन बनाए थे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने राहुल तेवतिया की तूफानी की पारी के दम पर मुकाबला 4 विकेटों से अपने नाम कर लिया था। राजस्थान एक बार फिर वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। वहीं पंजाब अपनी 6ठी जीत दर्ज करके प्लेऑफ की ओर कदम बढ़ाना चाहेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।